नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और दोस्तों, कल मैंने आपको संख्या पद्धति में काफ़ी चीज़ें बताई थी, क्लियर की थी कई चीज़ें। तो चलिए आज मैं आपको सवाल हल करना सिखाऊंगा, ठीक है? तो कुछ सवालों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है, देखिए, आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, फॉलो मी ऑन द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर लर्निंग ऐप, वहाँ पर मैं सौरभ पांडे नाम से एजुकेटर हूँ। आप मेरे सारे कोर्सेज़ की अपडेट वहाँ पर पा सकते हो। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, एन अकेडमी के लर्निंग ऐप को। सारे लेसन्स देख सकते हो, यूपी टेट सी टेट के, और मेरी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। एकदम आसान तरीके से मैं बताऊँगा, आप जानते ही हैं। 15201, ये 201 है, ठीक है? इसमें 5 का स्थानीय मान और प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, 2669 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू क्या होगा, 7 गुणे, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया है, ठीक है? आपको यही बताना है कि 7 गुणे क्या होगा। आपको चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 90 ए ऑप्शन, 900 बी ऑप्शन, 80 सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन 800, ठीक है? अब कुछ इस तरह से यूपीटीटी में आपको सवाल जो है दे देता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इनका स्थानीय मान, ठीक है? सबसे पहले आप इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 15201 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो दोस्तों, 5 का स्थानीय मान है 5000। गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। समझ में ना आए तब बताना, गारंटी है समझ में आएगा। मैं इस सवाल को कैसे हल करता हूँ, एक एक स्टेप से सीखेगा। तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान पूछा, तो 5 का स्थानीय मान है 5000, ठीक है? और प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, 6 का स्थानीय मान, ठीक है? तो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 600, ठीक है? तो ये आपका एक समीकरण आ रहा है ना, इक्वल टू क्या होगा, 7x कर लीजिए, मान लीजिए वो संख्या यहाँ पर आप x मान लीजिए, 7x है ना। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 5000 प्लस 600 इक्वल टू 7x, तो ये हो जाएगा 5600। 5000 में 600 जोड़ देंगे, इक्वल टू क्या आ गया, 7x। अब जब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x इक्वल टू 5600 बटे 7, ठीक है? अब क्या हुआ, 7 8 56, यानी इसका जो मान निकल के आया वो क्या आ गया, 800। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, समझ में आया? अब इसी तरह मैं आपको दूसरा सवाल बताऊंगा सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? दूसरा सवाल बताऊंगा, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, आप सबके सामने हमारा दूसरा सवाल ये है, यदि 36 यानी 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड, सार्वधनात्मक गुणनखंड यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसे मैं आपको ज्ञात करना बताऊँगा, फिर उनके गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9 गुणे, यहाँ पर रिक्त स्थान है, ठीक है? 999 प्लस 9 मल्टीपल इतना, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी, ठीक है? तो आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। चलिए मैं इसका ऑप्शन दे दे रहा हूँ आपको, 81 ए ऑप्शन, 91 बी ऑप्शन, 18 सी ऑप्शन, और 101 डी ऑप्शन। यही चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार, जैसा कि भाई गणित का नियम है। तो देखिए, 36 पहले क्या कह रहा है, 36 यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? पहले समीकरण से। तो सबसे पहले 36 के गुणनखंड सारे निकालिए जो धनात्मक गुणनखंड हैं। तो 36 के जो सार्वधनात्मक गुणनखंड होगा वो होगा, पहले तो 2 होगा, ठीक है? फिर 3 होगा, 3 से भी कट रहा है, 4 9 36, 4 से भी कट रहा है, 6 6 36, 6 से भी कट रहा है, ठीक है? 9 चौके 36, 9 से भी कट रहा है, 12
बारह तिहाई 36 कट रहा है, 18 दुनियाई 36 कट रहा है, और 36 गुणे 1 36 कट रहा है। तो ये जो है 36 के सार्वधनात्मक गुणनखंड हो गए क्या, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। तो 36 के ये सार्वधनात्मक गुणनखंड है। अब चलिए 48 का भी इसी तरह निकाल लीजिए आप लोग। 48 इक्वल टू 2 से कटेगा 48, बिल्कुल सही है कटेगा। 3 से कटेगा 16, 3, 48 बिल्कुल कटेगा। 4 से कटेगा 4 से 12, 4, 48 कटेगा, तो 4 भी आ गया आपका। इसके बाद 4 के बाद 6 से भी कटेगा, 6, 8, 48। 8 से भी कटेगा, 8, 6, 48। 12 से कटेगा, 12, 4, 48। 24 से कटेगा, 24, 2, 48 और 48 से कटेगा। ठीक है, अब ये आ गया इसका गुणन खंड निकल करके। ठीक है, चलिए मैं कैमरा थोड़ा रोटेट कर दूँ। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया स्टेप 1 और स्टेप 2। अब आते हैं सवाल पर। हमारा सवाल क्या है कि 36 व 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, यानी इनके गुणनखंड का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा आपका, देख लीजिए, 999+9 गुणे एम, मान लीजिए वो संख्या एम। ठीक है, अब देखिए, तो जब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे, टोटल आप गुणा कर लेंगे, तो 1728 आएगा। ठीक है, गुणनखल फल करके चाहे तो आप देख लीजिए, 1728 आएगा। अब जो है 1728, ठीक है, जैसे देख लीजिए, 2 × 3 × 4 × 6 × 12 ऐसे करना है आपको। ठीक है, 2 × 3 × 4 × 6 × 12 कॉमन दोनों में जो है हम केवल वही लेंगे। ठीक है, 2 है 3 है 4 है 6 है और 12 है। ठीक है, इनमें केवल यही सार्वधनात्मक गुणनखंड। ठीक है, ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों के गुणनखंड है। ठीक है, 8 इसका है तो इसका नहीं है, 9 इसका है तो इसका नहीं, तो इसलिए हम केवल वही संख्याएं लेंगे जो दोनों की सार्वधनात्मक गुणनखंड है। ये चीज़ ध्यान देना, नहीं तो सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24। ठीक है, 24 छक्का 144, और 144 में जब आप 12 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 1728। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सवाल का हल जो है, हालांकि अभी ये आंसर नहीं है, चलिए मैं इसे और आगे सॉल्व करता हूँ। अब ये तो आ गया 1728। अब 1728 माइनस 999, ठीक है, प्लस 9, और ये आपका प्लस 9 हो गया, प्लस 9m कर लीजिए, चाहे गुणे m कर लीजिए या 9m लिख देंगे, दोनों एक ही बात होगी। तो अब आप क्या करेंगे, 999 1728 माइनस, ठीक है, आप देखिए, जब आप इतना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1728 में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, जब आप 1728 में से इसको घटा देंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, 729 इक्वल टू 9m। ठीक है, अब जब 700m का मान आपको निकालना है, m इक्वल टू 729/9। ठीक है, अब m का मान आपको लास्ट में निकालना है, तभी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने लिख दिया है ना, m का मान 729/9। अब 9 से भाग दे दीजिए, 9 8 72, 9 91, 9 यानी 81 जो है यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि जिन लोगों को ये वीडियो असल में नहीं समझ में आया है कि मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, वो इसको एक बार रिपीट मोड में फिर से देख लें, 100% आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चलिए मैं जूम इन करके समझा देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, एक सेकेंड, रोटेटिंग द कैमरा, ये लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 36 का और 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इक्वल टू, उनके गुणनखंडों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा आपका, 999 प्लस 9
गुणे डॉट या कोई भी का, तो यहाँ पर हमने x मान लिया 9x। अब देखिए इनके दोनों के सर्वगुणनफल निकाले हमने, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 12 आ गया। अब इनको आपस में जब मल्टीपल किए तो आ गया 1728। इतना तो सवाल जोड़ गुणा गणित आप कर ही लोगे। 1728 माइनस 999, ठीक है, और प्लस क्या होगा, 9m हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीच में जो है ये इक्वल टू का चिन्ह होगा, 1728 माइनस 999 इक्वल टू 9m होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अब यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, इक्वल टू 9m, ठीक है, वो माइनस जैसे लग रहा था, मुझे इक्वल टू लगाना चाहिए था। अब क्या होगा, जब आप 1728 में से 999 घटा दोगे तो 729 इक्वल टू 9m आ जाएगा। अब 9m में m का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 729 में से 9 का भाग दे दोगे, 81 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ये 100% मेथोड है इसे मतलब एकदम सॉल्व करने का सही से, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।